तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप मिर्च और शिमला मिर्च की फसल में ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट और फ्रूट रॉट को कैसे रोकें। दोस्तों इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश में दोस्तों मिर्च की फसल में ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट और फ्रूट रॉट की ज़्यादा समस्या हमें देखने को मिलती है, जिससे कि दोस्तों अगर समय पर इसे कंट्रोल ना किया गया तो इससे उत्पादन में भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों ये जो आप शिमला मिर्च की फसल देख रहे हैं इसमें दोस्तों इस समय ब्लाइट और फल सड़न यानी फ्रूट रॉट का अटैक हुआ है और दोस्तों ज़्यादा बारिश के कारण यह बीमारी फसलों पर होती है। दोस्तों ब्लाइट में मिर्च के पौधे के पत्तों में ब्राउन रंग के धब्बे हो जाते हैं और दोस्तों यह धब्बे धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों मिर्च के पौधे के जो निचले पत्ते होते हैं वह एक एक करके झड़ जाते हैं और कई बार तो दोस्तों फल और फूल भी झड़ जाता है या फिर अगर फल फूल अगर लगा है तो वह सड़ जाता है। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आपको मैं कुछ ऐसे फंगिसाइड और बैक्टीसाइड के बारे में बताने वाला हूं, जिसे उपयोग करने के बाद आप मिर्च और शिमला मिर्च की फसल में इन बीमारी को अच्छे से रोक सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ब्लाइट और फ्रूट रॉट के लिए कि इनके लिए आप कौन से फंगिसाइड को उपयोग में ला सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले अगर आपकी फसल पर यदि ब्लाइट और फ्रूट रॉट का अटैक अगर कम है तो इसके लिए दोस्तों आप साफ फंगिसाइड को भी उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह शुरुआती स्टेज में काफ़ी अच्छे से काम करता है और इसे उपयोग करने से दोस्तों यह महंगे फंगिसाइड के खर्च को भी कम करने में सहायक होता है। और वहीं दोस्तों इसका डोज आप 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी की टैंकी में डालकर उपयोग में ला सकते हैं। और अगर दोस्तों आपकी फसलों पर अगर यह रोग ज़्यादा है तो इसके लिए दोस्तों आप कस्टोडिया फंगिसाइड और इसके अलावा दोस्तों आप BASF कंपनी के कैब्रिटॉप और लास्ट में दोस्तों आप एमिस्टा टॉप को भी उपयोग में ला सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एमिस्टा टॉप फंगिसाइड को उपयोग में लाते हैं तो दोस्तों इसे उपयोग करने के बाद आपको किसी भी और फंगिसाइड को उपयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों एमिस्टा टॉप फंगस के कारण होने वाले सभी रोगों को कंट्रोल करने में सक्षम होता है। और इसके अलावा दोस्तों आप अपनी फसल के हिसाब से किसी भी फंगिसाइड को उपयोग में ला सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि अगर आपकी फसल में बीमारी का अटैक अगर कम है तो आप दोस्तों इसके लिए साफ फंगिसाइड को उपयोग में ला सकते हैं और कैब्रिटॉप को यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इन फंगिसाइड को उपयोग करने पर भी अगर आपकी फसल में यह बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है तो इसके लिए दोस्तों आप एमिस्टा टॉप को भी उपयोग में ला सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट और बैक्टीरियल लीव स्पॉट की। तो इसके लिए दोस्तों आप एजोक्सिस्ट्रोबिन, जो कि दोस्तों मार्केट में एमिस्टार के नाम से मिलता है, तो दोस्तों बैक्टीरियल लीव स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए आप एजोक्सिस्ट्रोबिन को उपयोग में ला सकते हैं और इसका डोज दोस्तों आप 20 से 25 ml 15 लीटर पानी की टैंकी में मिला के और इसके साथ दोस्तों आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम 15 लीटर पानी की टैंकी में मिला के उपयोग में ला सकते हैं। और इसके बाद दूसरा दोस्तों आप COC 50 ग्राम प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम 15 लीटर पानी की टैंकी में डाल के उपयोग में ला सकते हैं और इसे उपयोग करने से भी दोस्तों यह आपकी फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट और बैक्टीरियल लीव स्पॉट को रोकने का काम करता है। और इसके अलावा दोस्तों तीसरा दोस्तों आप ताकत फंगिसाइड को भी उपयोग में ला सकते हैं और इसका डोज दोस्तों आप 40 ग्राम 15 लीटर पानी की टैंकी में और इसके साथ ही दोस्तों आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम 15 लीटर पानी की टैंकी के हिसाब से मिला के उपयोग में ला सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप बैक्टीरियल ब्लाइट और बैक्टीरियल लीफ स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आप कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट को भी उपयोग में ला सकते हैं और इन दोनों के साथ भी दोस्तों आपको एंटीबायोटिक को ज़रूर से मिला करके स्प्रे करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट बैक्टीरियल लीफ स्पॉट और फ्रूट रॉट जैसी बीमारी को आसानी से रोक सकते हैं। तो किसान भाइयों ये था आज का वीडियो, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।